Salaam Adab and Jai Hind to all the listeners. Kaise hain aap sab? This is me, your RJ Yasmin, and you are tuning to Radio Sunshine. Friends, आ जाइए कमेंट सेक्शन में, लगवा दीजिए अपनी हाजिरी, क्योंकि ये है आपका अपना शो बुक रिव्यू विद RJ यास्मीन। आज जो किताब मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है सबसे आला, सबसे मुनफरद और सबसे अमेजिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये किताब बहुत पसंद आएगी। विदाउट फर्दर डिले, लेट्स डाइव इन रिवर ऑफ नॉलेज टू सर्च सम पल्स ऑफ विजडम। अदब की दुनिया से जो मैं आज आप लोगों के लिए किताब लेके आई हूँ उसका नाम है क्राइम एंड पनिशमेंट। ये दोस्तोफ्स्की के शोरा अफाक नॉवल में से एक है। इस नॉवल को माहिरीन नफ्सियात बड़ी अहमियत देते हैं। इंसान की शख्सियत के अंदर जो तय दर तय असरार और रमूज हैं वो नॉवल की बदौलत जाहिर होते हैं। फिर इसमें फलसफे का भी टच है फ्रेंड्स, इसमें तारीख का भी टच है, मईशत को भी इन्होंने टच किया है और साथ साथ माशरत को भी डिस्कस किया गया है इस नॉवल में। और इसकी पूरी कहानी में दो चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इस पूरी कहानी में फ्रेंड्स दो चीजें याद रखने की हैं। नंबर एक, कहानियां जो होती है ना फ्रेंड्स, जो किसी बहुत बड़े नॉवल या अफसाने की जान होती है, या आप ये भी कह सकते हैं वो एक अच्छे नॉवल की बैकबोन होती है, उसका इस नॉवल में फुकदान है। लेकिन इसके अलावा जो तलाश में एक नॉवल की पहचान होते हैं, उसकी जीनत समझे जाते हैं, उनमें ये बहुत आगे है। मॉरल इसका फ्रेंड्स ये है कि बुराई के बदन से कभी अच्छाई पैदा नहीं हो सकती, चाहे आप कुछ भी कर ले। बिल्कुल ऐसे जैसे ही उर्दू अदब का शोरा अफाक नॉवल राजा गिद्ध, उसमें भी शानदार दर्स हमें मिलता है, जिसके हराम के असरात जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो नस्ल दर नस्ल ट्रैवल करते हैं। और ये नहीं हो सकता कि रिस्के हराम पे पला हुआ बच्चा उसके असरात से यकसर महफूज रहे। उस पे असरात जरूर होंगे, वो बच जाए तो वो रब्बे करीम का काम है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं रूसो का मेंशन करना चाहूँ। रूसो जैसे कि आप जानते हैं कि पॉलिटिकल फिलोसोफर है और पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी रहा था। रूसो हमेशा एक ही बात करता है, इंसान बुनियादी तौर पर बहुत अच्छा है, उसको हालात अच्छा या बुरा बनाते हैं। इस कहानी का जो वन लाइनर है ना फ्रेंड्स, वो भी कुछ इसी तरह का है। रिस्कलनिकोफ ये बुनियादी तौर पर बुरा आदमी नहीं था, इससे जुर्म बहुत संगीन सरजद हो जाता है। इसके ख्यालात इस तरह के होते हैं कि ये कहता है दुनिया दो तरह के लोगों में बटी हुई है, एक ऑर्डिनरी और दूसरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो कहता है कानून की पासदारी ऑर्डिनरी लोगों के लिए है, एक एक कायदा, एक एक कानून, रूल ऑफ लॉ, वो इन पे अप्लाई होता है, दे आर ऑर्डिनरी पीपल्स। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए कानून मुमकिन नाक बन जाता है, जिस तरफ चाहे आप उसको मोड़ सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ने राहें तलाश करनी होती हैं, मुआशरे के इर्तका में अपना रोल प्ले करना होता है। अपने आप को मुतमईन करने के लिए फ्रेंड्स अपने आप को ये मिसाल देता है नेपोलियन की। कहता है कि अगर नेपोलियन इस तरह ना होता तो यूरोप की शक्ल वो ना होती जो आज है। अब ये देखा जाए तो लॉजिक तो है, इस तरह की सैकड़ों परतें आपको इस करेक्टर में नजर आएंगी। इस करेक्टर का मानना ये है फ्रेंड्स कि मेरा मकसद दुनिया को रेवोल्यूशनाइज करना नहीं है, मैं कम से कम जहाँ रहता हूँ उस इलाके को तो ठीक कर लूँ। वो कहता है कि मैं अपने मोहल्ले में, मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मैं उसको तो ठीक कर लूँ, मैं उसको तो रेवोल्यूशनाइज कर लूँ। तो वो कहता है कि मेरे मोहल्ले में जो है वो एक औरत रहती है जो कि शॉपकीपर है,
उस शॉप में बेसिकली क्या है कि आप चीजें गिरवी रखवाते हैं और उसके एवज पैसे लेते हैं या भारी सूद लेते हैं। तो ये बुजुर्ग औरत जो एनवा जिसका नाम है वो ये काम करती है। तो इसने कहा कि इसकी वजह से बेशुमार तलाकें हुई हैं, बेशुमार दुश्मनियां इसकी वजह से हुई हैं, बेशुमार लोग बीमार हुए हैं, बेशुमार लोग बीमारी के हाथ से, अफलास के हाथ से लुकमाए अजल बने हैं। ये इस मौशे का नासूर है। अब इसके अंदर का करेक्टर आपको बाज़ुकात वेंगो में भी नजर आता है। वेंगो वो इंसान था जिसने अपना कान काट लिया था। इसके अंदर तलातुम खेसी पाई जाती है। वेंगो तो बाकायदा नफ्सियाती इंसान था ना। अभी इसी उधेड़बुन में ये होता है फ्रेंड्स के उसको एक दरख के नीचे से कुल्हाड़ी मिलती है। अब वो कुल्हाड़ी पकड़कर अजीब ख्यालात की दुनिया में खो जाता है। वो ये कहता है कि ये कुल्हाड़ी और उसकी गर्दन कितनी कभी है, जैसे किसी मरिया से मुर्गी की टांग का हिस्सा। खैर ये जाता है और उस बेचारी बूढ़ी औरत को कत्ल कर देता है जिसकी शॉप होती है, उसे कत्ल कर देता है। हत्ता के उसकी एक बहन जो इसको कत्ल करते हुए देख लेती है, वो बहुत नेक सीरत पारसा औरत होती है, ये उसको भी कत्ल कर देता है क्योंकि वो आई विटनेस है, ये उसको भी मार देता है। आप अपने जुर्म को कवर करने के लिए जो इकदाम उठाते हैं ना, आपको वो चीज पॉट अप कर लेती है। मशायद इज्जती है, जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे। तो एक दिन अपने मामूली से काम के लिए ये थाने जाता है जिसका कोई ताल्लुक इसके केस से नहीं होता। फ्रेंड्स क्या होता है कि इसी का डबल मर्डर केस जिसका सोहरा होता है, ये सुनता है तो एकदम थरथराने लग जाता है, कांपने लग जाता है और थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। पुलिस को शक होता है कि ये बेहोश क्यों हुआ है। अब पुलिस वाले के साथ जो दूसरा पुलिस ऑफिसर है फ्रेंड, वो बड़ा ही मजे का करेक्टर है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग करेक्टर है, बड़ा अच्छा करेक्टर है, वो भी बहुत ही मजे का उसका रोल है। ये लोग अब क्या करते हैं, ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम एक पॉलिसी अपनाएं। पुलिस ऑफिसर्स की होती है ना एक पॉलिसी जुर्म कबूल करवाने की, गुड कॉप बैड कॉप, ये वो पॉलिसी अप्लाई करते हैं। आखिरकार ये वहां पर एक बाली बयान दे देता है, फिर इसको सजा हो जाती है, फिर इसे साइबेरिया भेज देते हैं और वहां पे अपनी थ्रू आउट जिंदगी ट्रॉमा में गुजारता है, एहसास गुना में, गिल्ट में गुजरती है इसकी जिंदगी। अपने आप को बार बार कहता है, कत्ल वो नहीं हुई, कत्ल वो नहीं हुई, मैं हुआ हूँ कत्ल। और आखिर में इसे जब एहसास होता है अपनी उन हरकतों का, तो बहुत शर्मिंदा होता है और बार बार यही कहता है कि वो कत्ल नहीं हुई, कत्ल तो मैं हुआ। ऐसे नहीं कहते फ्रेंड के एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और पछतावा इसका मुकद्दर बनता है। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये किताब, ये नॉवल बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप भी अपनी बुक कलेक्शन में इसे जरूर इसे ऐड इन कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा नॉवल है और आप बहुत ही इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस तरह के नॉवल्स पढ़ते रहा कीजिए और मुझे भी सजेस्ट कीजिए कि अगर आप कोई नॉवल का रिव्यू चाहते हैं और आप किसी बुक का रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम और बुक का नाम जरूर लिखिए और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसके ऊपर रिव्यू करूं। और अगर अभी तक आपने आज यास्मीन की प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया, विजिट नहीं किया, तो किस बात का है इंतजार, जाइए प्लेलिस्ट में और वहां पे तमाम आरजेस की प्लेलिस्ट होगी, तमाम आरजेस की प्लेलिस्ट को भी चेक इन कीजिए। अपने फेवरेट शो बुक रिव्यू की भी प्लेलिस्ट को चेक इट आउट कीजिए और उम्मीद करती हूँ कि आपको वो तमाम किताबें बहुत पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी ये एफर्ट पसंद आई है तो आपसे एक ही गुजारिश है, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोस को कीजिए लाइक एंड शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना मत भूलिएगा, बिकॉज दिस इज द ओनली वे थ्रू विच यू कैन एनकरेज अस एंड मोटिवेट अस। एट द एंड
रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल और कोशिश कीजिएगा कि आपसे किसी को तकलीफ ना हो। योर आरजे साइनिंग आउट। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।